वक्त की बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीतकर लौटे नीरज चोपड़ा, दिल्ली में ओलंपिक विजेताओं का हुआ सम्मान। नीरज चोपड़ा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा दिल्ली पहुंच गए हैं। गौरवान्वित एकदम माहौल हो चुका है क्योंकि दिल्ली में सारे ओलंपियंस अपने मेडल के साथ दिल्ली में पहुंचे और वहीं नीरज चोपड़ा भी पहुंचे जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा की जीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है क्योंकि गोल्ड मेडल भारत को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक खेलकर दिल्ली पहुंच गए हैं। वही अगली इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली। दोनों बदमाशों को डॉक्टर ने किया मृत घोषित। कल बदमाशों ने गार्ड को मारी थी गोली। सिंगरामऊ क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, मैंथा फैक्ट्री पर एसआईटी का बड़ा छापा, बड़े पैमानों पर हो रही थी टैक्स चोरी। आजाद रोड के माधव ट्रेडर्स का मामला, छापेमारी से कई व्यापारियों में मचा हड़कंप। मैथा फैक्ट्री पर एसआईटी का छापा, बड़े पैमाने पर हो रही थी टैक्स की चोरी। आजाद रोड के माधव ट्रेडर्स का यह पूरा मामला है जहां पर एसआईटी ने छापेमारी की है। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनाई आज एसआईटी। पंजाब के सीएम अमरिंदर का दिल्ली दौरा आज, सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक में भारत का उदय, ओलंपिक में हुए कमाल ने कोविड महामारी की हताशा पर लगाया मरहम। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को थोड़ा थमेगा ओबीसी विधेयक, 15 विपक्षी दल बिल पास कराने को राजी। मिजोरम में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई तीव्रता। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। जालौन में आई बाढ़ त्रासदी को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे करेंगे, इसी को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि सीएम बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे, इसके साथ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बता दें कि बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर निकल पड़े हैं, जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड को प्राथमिकता देते हुए सर्वे करने का निर्णय लिया। सर्वे के बाद वो समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें बाढ़ के बाद के हालातों को लेकर चर्चा होगी। जालौन में सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, इसी को लेकर कमिश्नर व डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत निरीक्षण भी किया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बदमाशों ने बक्सा के धनियामऊ क्षेत्र में लूट के लिए एक गार्ड को गोली मार दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ राहुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, मैं आपसे आना चाहूंगी, बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस खबर पर?
जी कृति, आपको बताना चाहूंगा जौनपुर में जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद से उसी को लेकर सूबे की योगी सरकार ने जौनपुर की पुलिसिया सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अजय कुमार सहनी को कमान सौंपी जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल दोपहर दिन दहाड़े दुस्साहस कर बदमाशों ने 5 लाख की लूट करके और एक कैश वाहन गार्ड को गोली मार दी थी दिन दहाड़े, जो कि बक्सा के धनिया मऊ बाजार की मामला जो कि 500 मीटर के दूर पर चौकी थी, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई और लूट की गई कहीं कहीं जौनपुर पुलिस की किरकिरी हुई। उसके बाद जौनपुर पुलिस एक्शन में 24 घंटे के अंदर दोनों अपराधियों को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया गया है, जहां घायल बदमाशों को जौनपुर के जिला अस्पताल लाया गया जहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वह यूपी पुलिस के 2 जवान भी घायल हैं जिन्हें जौनपुर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बदमाशों ने जौनपुर में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और एक जो गार्ड वाहन था उसे गोली मारकर हत्या कर दी, कहीं कहीं जौनपुर पुलिस की किरकिरी हुई। उसके बाद एक्शन में आई जौनपुर पुलिस ने दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया है। जो दोनों बदमाशों को ढेर किया गया है वो सिगरा मऊ थाने के हिस्ट्री सीटर बताए जा रहे हैं, जिनसे दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। कृति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो बदमाशों को गोली मार दी गई पुलिस द्वारा, जिन्हें मृत भी घोषित कर दिया गया है। वहीं इस पूरी खबर पर पुलिस अधिकारी को क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सिगरा मऊ थाना क्षेत्र की सूचना है, आज भोर में थाना पुलिस वहां की गश्त कर रही थी, उस पर एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर आसपास के थानों की फोर्स और एसओजी की टीम भी वहां पहुंची और दो बदमाश थे बाइक पे, इन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई जिसमें पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के बीपी जैकेट पे गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। काउंटर फायर में पुलिस ने जो गोली चलाई है उसमें दोनों को गोली लगी और उनको उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ अभी उनको मृत घोषित कर दिया गया है। इनकी पहचान एक की अभिषेक और एक की। खबर अमेठी से है जहां नंदघर में अवार्ड रिवॉर्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वेदांता की सहयोगी संस्था हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के द्वारा किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को अच्छे कार्य के लिए प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुनीता सिंह रही और साथ ही साथ संस्था के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही वेदांता की सहयोगी संस्था हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के द्वारा आज तिलोई ब्लॉक में सिंहपुर ब्लॉक और तिलोई ब्लॉक की 19 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्राइज से और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया और साथ ही साथ में हमारे अतिथि रमेश यादव जी ने भी हमारे प्रोग्राम के बारे में डीपली बताया और सभी से आग्रह किया कि वो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो उसी प्रकार से और अच्छे तरीके से कार्य करें ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छा। खबर सोनभद्र से है जहां अध्यापकों ने एक पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पत्रकार ब्रजेश कुमार सिंह कर्मा ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय में खबर की कवरेज के लिए गए हुए थे। इस दौरान अध्यापकों ने पत्रकार के साथ गाली गलौज की, साथ ही पत्रकार के साथ जमकर मारपीट भी की। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि विधानसभा में परिषदीय विद्यालय का संचालन हो रहा है पर वहां पर किसी प्रकार का कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है और खासकर बच्चों के लिए प्रभावशाली है, जिसके लिए शासन प्रशासन दिन रात एक करके व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन वहीं बट ग्राम सभा के अध्यापक शासन के आदेशों पर पलीता लगाते हुए नजर आए। ऐसा है सर कि मुझे वहाँ के जो ग्रामीण थे यानी ग्राम सभा बट के कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ कुछ बच्चों को बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाई करवाया जा रहा है, यानी बुला करके पढ़ाया जा रहा है और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया है, न ही बच्चे मास्क लगाए हैं और न ही पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका जो है कि मास्क लगाए हुए थे। तो सूचना के बाद हम वहाँ पे कवरिंग करने के लिए गए और उनसे जानने के लिए कि नहीं आखिर ऐसे कैसे पढ़ाई जा रहा है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ये इतनी एडवाइजरी है कि नहीं ये भीड़ भाड़ कहीं नहीं इकट्ठा किया जाएगा, बच्चे को नहीं एकत्रित करना है। तो हम वहाँ कवरिंग करने के लिए गए। जब वहाँ गए तो जब हम कवरिंग करने लगे तो उसी दौरान वहाँ के जो अध्यापिका थी उनके द्वारा और अध्यापकों को बुलाया गया और इसके बाद वो हमसे बदसलूकी करने लगे। मैं इस खबर पर हमारे साथ रविंद्र जुड़ चुके हैं फोनों पे। रविंद्र, इस तरह की हरकत बेहद ही निंदनीय है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस विद्यालय के खिलाफ? जी बिल्कुल, बता दें कि कर्मा ब्लॉक के बट गांव में मोहल्ला क्लास संचालित हो रहा था जिसमें ग्रामीण अभिभावकों ने सूचना दिया पत्रकार ब्रजेश सिंह को
कि यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का कोई भी किसी भी तरह का पालन नहीं, तो अध्यापक मास्क लगाए हैं, नहीं बच्चे लगाए हैं, जबकि तीसरी लहर जो आ रही बच्चों के लिए खास तरह से प्रभावशाली है। जब वहाँ पे पत्रकार ब्रजेश कुमार सिंह पहुंचे रिकॉर्डिंग करने लगे तो वहाँ पे जो अध्यापक अध्यापिकाएं थी इनसे मारपीट पे उतारू गालू गलौज देखने की धमकी दे गई। इसकी सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को, संबंधित सभी विभाग को सूचना दे दी गई है जी। अभी तक फिलहाल इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? अभी कार्रवाई नहीं, कार्रवाई कल सभी लोग गए, कार्रवाई का आश्वासन मिला है। कोतवाली प्रभारी कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो भी गलत होगा जांच करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्रकार लोकतंत्र का चौथा पांचवा स्तंभ जिन्हें कहा जाता है उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है। और ये वीडियो था सोनभद्र का। वहीं बढ़ते हैं आगे, बलिया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। शहर के निचले हिस्से में सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में है। वहीं जिला प्रशासन लोगों से घरों को खाली करने की अपील कर रहा है। एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया। एसडीएम जुनैद अहमद ने बताया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं हो रहे। लाख समझाने की कोशिश भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिले जालौन, इटावा, औरैया आदि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए बलिया में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। आज सुबह खबर मिली, जिला प्रशासन के द्वारा खबर दिया गया था कि सदर तहसील के दो टोले सनिचरी मंदिर टोला और एक निहोरा नगर में लोकल नाला में जल स्तर बढ़ने के कारण पानी अंदर घुस गया है और वहाँ पर लोगों को निकालने की ज़रूरत है, जिसके आधार पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची है और बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाल। फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो संज्ञान में आया है। इस वीडियो में एक महिला यात्रा के द्वारा वीडियो में सीआईटी भूर सिंह मीना के ऊपर बदसलूकी करने और टिकट फाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन और जीआरपी मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, एक वीडियो जो है रेलवे स्टेशन टुंडला के संदर्भ में एक संज्ञान में आया था रेलवे के ट्विटर हैंडल से, और उसमें एक महिला के द्वारा जो वहां पे सीआईटी हैं भूर सिंह मीना उनके ऊपर आरोप जो है वो लगाए गए थे। इसी संदर्भ में जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा भी और जीआरपी के द्वारा भी अलग अलग इसकी जाँच जो है वो की गई थी, उस वीडियो की जाँच की गई थी। इसी जाँच के दौरान यह पाया गया था कि वहाँ पर तीन अन्य टीटी हैं, एक कुलदीप कुमार, दुर्गेश सिंह और डीके दीक्षित, इन तीनों के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से अपने षड्यंत्र में एक महिला को शामिल करते हुए वर्तमान भूर सिंह मीना के को बदनाम करने के उद्देश्य से एक वीडियो। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में जलभराव की समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इस दौरान लोगों के साथ सपा एमएलसी ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। लोगों का कहना है कि जलभराव से आए दिन बड़े सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं बीते दिनों एक युवक की नाले में गिरकर मौत भी हो गई थी। दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों को सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है। एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव का कहना है कि अगर 15 दिनों के अंदर जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। यहाँ एटा चौराहे पे हम पुल के नीचे सर्विस लाइन ठीक कराने की वजह से जब एनएचएआई ने यहाँ रोड चौड़ा कराया तो NH-19 इस पर सुकाबाद कस्बे से अंदर से निकल के गया है। जब निर्माण कार्य होता है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा देती है एनएचएआई को, एनएचएआई ने ओरिएंटल को पैसा दिया, ओरिएंटल ने आईआरबी को शायद पैसा दिया, ऐसा कुछ है ना इनकी, तो इनकी जिम्मेदारी है नीचे की सर्विस लाइन ठीक हो, इसीलिए टोल टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स ये पूरा ले रहे हैं। और नीचे सर्विस लाइन पर पानी भरा हुआ है, सर्विस लाइन पर पानी की निकासी जो बरसात का पानी है उसकी जिम्मेदारी इनकी है 100%। मुरादाबाद पुलिस ने हत्या कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शातिर आरोपी 16 साल पहले एक युवक की हत्या कर फरार हो गया था और बिहार के कटिहार में नाम बदल कर रहने लगा था। वहां मुरादाबाद पुलिस को इस अपराधी की काफी समय से तलाश थी, अब जाकर पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है और 16 साल से फरार आरोपी पुलिस को गिरफ्त में आ गया है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये थाना मैनेटेर पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 16 साल से 302 का फरार मुलजिम जो जिसका नाम दूल्हा जान है, जो बिहार कटिहार में जाके छुपा हुआ था, उसकी गिरफ्तारी की है। इसमें टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसकी जानकारी करी और इस फरार अभियुक्त
शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा क्षेत्र से गुजरने वाली शारदा नहर में लगभग दो महीने से पानी नहीं आने से किसान परेशान है। नहर के किनारे की अधिकांश जमीन सिंचाई के लिए नहर के पानी पर ही आश्रित है। पानी नहर में नहीं आने से फसलें सूखने लगी हैं। वहीं परेशान किसानों ने सिंचाई विभाग को डीएम तक सूचना दी है और गुहार लगाते हुए नहर में पानी छुड़वाने की मांग भी की है। किसानों का कहना है कि इस समय धान की खड़ी फसल सूखने की कगार पर है, साथ ही बाजार तिल्ली उर्द आदि फसलों के लिए पानी की जरूरत पड़ने लगी है। किसान महंगे डीजल से फसलों में पानी लगाने को मजबूर है। बता दें कि नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन कर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसके बावजूद भी नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। किसान लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ जैसे शारदा नहर में नदी का पानी कंप कैनाल से जा रहा है तो वो कम से कम लगभग तीन महीने से बंद पड़ी हुई है। उससे आपको लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं कि हम लोगों की धान की फसल नष्ट होती जा रही है। हम कर्मचारी कोई नहीं आता है, तारे पड़े हुए हैं और हम लोगों ने हर अधिकारी से शिकायत कर दी है। विधायक जी ने भी बात की है, उन्होंने मेरा लोगों की कोई संभल जिले की नखासा थाना पुलिस ने दो वर्ष से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि रुकनुद्दीन सराय निवासी फहीम, जो कई आपराधिक मामलों में दो साल से वंचित चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसके बावजूद वो गिरफ्त में नहीं आ रहा था। वहीं संभल जिले की नखासा थाना पुलिस ने फहीम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एसपी ने बताया कि विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। आज थाना नखासा की पुलिस के द्वारा एक वांछित अपराधी फहीम, जो रुकनुद्दीन सराय थाना नखासा का रहने वाला था, पिछले दो वर्ष से गायब था, इसको ढूंढने के लिए 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। आज इसको गिरफ्तार करके सिद्धार्थनगर के बासी थाना क्षेत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत सीएम अरुण चंद्र की द्वारा की गई। वहीं इस मौके पर इंस्पेक्टर देवनंदन उपाध्याय ने कहा कि जन आंदोलन इतना तीव्र था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जालौन के एनएस गुप्ता पब्लिक स्कूल में नए नेत्र प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय और स्नातकोत्तर नेत्र विज्ञान संस्थान के डॉक्टर तमाम मौजूद रहे। बता दें कि कैंप में करीब 200 मरीजों ने नेत्र प्रशिक्षण कराया, जिसमें ज्यादातर लोगों की आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई। उन लोगों को चित्रकूट के लिए भेजा गया, जहां पर उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा रहा है। बता दें कि ऑपरेशन से लेकर मरीजों के खाने पीने की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की गई। असल में एक वर्ष पूर्व पिताजी का हमने सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से आंखें मंगाई थी, तो वहाँ पर हमने बहुत गरीबों को देखा कि वहीं से मुझे प्रेरणा आई कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चित्रकूट जा नहीं सकते, जिनके पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है वो चित्रकूट पहुँच सकते। ताजनगरी आगरा में पारिवारिक कलह के चलते मासूम बच्चे सड़क पर सोने को मजबूर हैं। दरअसल बच्चों की चाची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक महिला के परिजनों की ओर से मृतका की मृत्यु का कारण इन बच्चों के मां बाप को बताते हुए स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद इस मासूम बच्चों के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने घर को भी सील कर दिया। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष मीना दिवाकर ने कहा कि जल्द से जल्द बच्चों को न्याय दिलाया जाए। आज ज्ञापन हम इसलिए लेके आए कि हम चार दिन से काफ़ी परेशान रह रहे हैं और हम जब सहयोग बच्चों का करते हैं तो फिर हम खुल के करते हैं। चार दिन पहले भी हमने कप्तान साहब से मिलाया, कप्तान साहब ने आदेश सीओ साहब के लिए कर दिए, सीओ साहब ने हमसे कह दिया कि बच्चों को छोड़ आओ। हम बच्चों को छोड़ के आए, छोड़ने के बाद में जैसे वो जो कोई वो है रतन सिंह ठाकुर है, जो अपने आप को कहता है कि मेरी सरकार चल रही है, ठाकुर है जो तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, उसके खिलाफ जब इनकी मारपीट बच्चों की। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।